नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल मेगा एडवाइजर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओसमोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में केवाईसी अपलोड कैसे किया जाता है, केवाईसी करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और यह कैसे होता है। तो केवाईसी करने के लिए हम लाइव प्रोसेस इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अपने डाउनलाइन के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना केवाईसी अपडेट जो है जल्दी और मोबाइल से कर पाएँ। केवाईसी अपलोड करना, केवाईसी अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप जो है ओसमोस में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप अपने वॉलेट के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओसमोस में जुड़ के अच्छा इनकम करना चाहते हैं, घर बैठे 20 रुपये रोज का इनकम करना चाहते हैं और लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है, तो आप वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखते हैं कि केवाईसी अपडेट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड की मदद से यहाँ पर टाइप करके आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो तीन लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे जब टच करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, डैशबोर्ड, शॉपिंग, माई ऑर्डर, प्रोफाइल, अपलोड केवाईसी। यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। बहुत से लोगों के आईडी में यहाँ पे अपलोड केवाईसी का ऑप्शन नहीं आता है, तो लोग घबरा जाते हैं कि उनको केवाईसी कैसे करना है, उसमें तो केवाईसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अपलोड केवाईसी का ऑप्शन नहीं है, प्रोफाइल के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि वैसे लोगों का आईडी जिसमें अपलोड केवाईसी नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि उनकी आईडी एक्टिवेट नहीं है, यानी कि जिन लोगों का टॉपअप नहीं हुआ है, 1200 रुपये से जिनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, जिनका सिर्फ फ्री वाला रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनमें अपलोड केवाईसी का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अपलोड केवाईसी वही लोग कर सकते हैं, यानी कि केवाईसी अपडेट वही कर सकते हैं जिनका आईडी एक्टिवेट हो। तो सबसे पहले आपको अपना आईडी एक्टिवेट करना होगा, 1200 से टॉपअप करना होगा। अब ओसमोस में आईडी एक्टिवेट करना बहुत ही आसान हो गया है, मात्र 2 मिनट में खुद से आप अपना आईडी एक्टिवेट कर पाएंगे, अपने डाउनलाइन का भी आईडी एक्टिवेट कर पाएंगे। कैसे करना है, इसके लिए कंपनी का पेमेंट गेटवे जो है लॉन्च हो चुका है, तो उसका हेल्प से आप 2 मिनट में अपना आईडी या अपने डाउनलाइन का आईडी एक्टिवेट कर पाएंगे। इसके लिए वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो की मदद से आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे। आईडी को जैसे आप एक्टिवेट कर लेंगे, आपको भी यहाँ अपलोड केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर अपलोड केवाईसी पे क्लिक करना है, उसके बाद केवाईसी डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो इसके बाद केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने होंगे। सबसे पहले अकाउंट टाइप आता है, तो इसमें सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको सही से यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी बैंक है, स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC है, जो भी है आपका, यहाँ से चूज बैंक में जाके आपको बैंक का जो है आपका नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे ब्रांच नेम लिख लेना है। उसके बाद आपके ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे IFSC कोड टाइप करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास पैन है कि नहीं है। अगर आपके पास दोस्तों पैन कार्ड नहीं है तो आपका TDS 20% डिडक्ट होगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको यहाँ पे यस पे टिक कर लेना है। जैसे आप यस पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पैन नंबर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर जो है टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड पैन इमेज दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे चूज फाइल में जाके आपका जो पैन कार्ड जहाँ भी आपने फ़ोटो खींच के रखा है या फिर आपका जो भी फाइल है पैन का, तो उसकी कॉपी जो है आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो चूज फाइल में जाके आप उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देख सकते हैं कि मैंने अपना यहाँ पे पैन नंबर जो है फिल कर लिया है। चूज फाइल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज जो है अटैच किया गया है। तो इसको अटैच करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो KYC अपलोड सक्सेसफुली क्या यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर लेंगे। देन आप देख सकते हैं कि अपलोड इमेज में भी आपका पैन कार्ड का जो है इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और नीचे आप देख सकते हैं वेरीफिकेशन स्टेटस में वेरीफिकेशन ड्यू लिख के आ रहा है, यानी कि आपका वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। जैसे आप KYC कर लेंगे तो कुछ घंटों के बाद आपका वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा और आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुल दिखाई देगा। तो इस तरीके से कुछ ही घंटों के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस में वेरीफाइड देखने को मिलेगा और यहाँ पर नीचे आपका वेरीफाइड डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से पैन कार्ड की मदद से आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर पाएंगे, आपका KYC इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपके वॉलेट में जितने भी पैसे हैं, 500 से ज़्यादा हैं, तो आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इसके लिए KYC ज़रूरी होता है, तो आप इस वीडियो की मदद से आप अपना KYC ज़रूर कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ओसमोस में जुड़े हुए हैं, अगर आप अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कमेंट
कमेंट बॉक्स में आप अपना ज्वाइनिंग लिंक और अपना नाम मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ताकि आपको जानने पहचानने वाले लोग आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है आपके साथ जुड़ के आपकी टीम का हिस्सा बन पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।